हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे नेक्स्ट कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करना चाहिए। कमेंट में ड्रामे का नाम ज़रूर सेंड कीजिएगा। सो इस वीडियो में तो मैं फ़िलहाल एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव एरिया का पार्ट नंबर 8। ये ड्रामा जल्दी फिनिश होने वाला है, इसलिए मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसके बाद मैं कौन सा नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेन करूँ। सो चलिए वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर प्ले चल रहा होता है। वेलन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपनी एक्टिंग को करता है। प्ले ख़त्म होने से पहले यहाँ पर मेन फीमेल लीड वेलन को डायलॉग के तौर पे आई लव यू बोलती है, तो यहाँ पर वेलन को भी उसे आई लव यू बोलना होता है, लेकिन वेलन उसे आई लव यू नहीं बोल पाता। यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वेलन उसे आई लव यू बोले और कब ये प्ले ख़त्म होगा। यहाँ पर कहने लगती है टॉम की फ्रेंड, आई थिंक तुम्हारा फ्रेंड लास्ट डायलॉग भूल गया है, वो इस प्ले को ख़राब करने वाला है। यहाँ पर वेलन के दोस्त उसे इशारा करने लगते हैं कि बोलो, तुम्हारा सिर्फ लास्ट डायलॉग बाकी रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो वेलन होता है वो थिएटर के मेन गेट की तरफ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वहाँ पर एंट्री होती है काइटून की। वेलन काफ़ी ध्यान से काइटून की तरफ देखता है। वेलन यहाँ पर काइटून को देखते हुए बोलता है आई लव यू। इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर स्टेज पर टॉम आ जाता है और सभी का थैंक्स बोलने लगता है, लेकिन काइटून की नज़रें सिर्फ वेलन पर होती है। फिर दिखाया जाता है कार्टून से थैंक्स कह रहा होता है टॉम कि तुम्हारी वजह से ही ये प्ले सक्सेसफुल हो पाया है, क्योंकि तुमने वेलन की रिहर्सल कराने में काफ़ी मदद की है, उसने मुझे इस बारे में बताया है, तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। कार्टून उसे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तो वेलन ने काफ़ी ट्रबल क्रिएट किया था, बट बाद में उसने काफ़ी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस की। यहाँ पर टॉम उसे कहता है कि आज रात हम प्ले के सक्सेसफुल होने के कारण पार्टी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उस पार्टी में तुम भी आओ। तब यहाँ पर विन आ जाता है और वो टॉम से कहने लगता है कि बाकी काम भी है, वो भी तुम्हें हैंडल करना है, यहाँ पे बेकार की बातें मत करो। टॉम उसे कहता है तुम और किंग हो ना बाकी काम को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर उनसे कहता है काइटून कि पार्टी में बुलाने के लिए थैंक्स, बट मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है। विन यहाँ पर काइटून की तरफ देखता है और कहता है वेट अ मिनट, आई थिंक मैंने तुम्हें स्विमिंग क्लब में भी देखा है। तो काइटून उसे कहता है हाँ मैं स्विमिंग क्लब में हूँ। तो यहाँ पर टॉम कहने लगता है कि तुम दोनों एक क्लब में हो बट एक दूसरे को नहीं जानते क्या। तो काइटून उसे कहता है मैंने कई बार विन को वहाँ पर देखा है। तो विन उसे कहता है तुम मुझे वहाँ पर हेलो बोल सकते हो, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा। तो वो यहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी पीछे से वेलन भी आ जाता है। विन वेलन से कहता है कि आज तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किंग तुम्हारी वीडियो को एडिट कर रहा है, उसके बाद तुम देखना। तभी शीन दूर से काइटून को आवाज़ देने लगता है, तो काइटून उन्हें बाय बोल के जाने लगता है शीन के पास। तो यहाँ पे वेलन काफ़ी ध्यान से उनकी तरफ देख रहा होता है। तो यहाँ पे टॉम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिहर्सल करने लगता है लास्ट पार्ट का कि आई लव यू आई लव यू, और वेलन को थोड़ा टीज करता है। वेलन कहता है क्या कर रहे हो। फिर वो लोग कहते हैं आज पार्टी है, भूल मत जाना तुम। सीन कहने लगता है काइटून से कि तुमने अभी कहा कि तुम बिजी हो, कहाँ पर बिजी हो तुम। तो काइटून उससे कहता है कि मुझे क्लास से रिलेटेड कुछ काम करना है। यहाँ पर थोड़ा नाराज होता है सीन और उससे कहता है तो तुम नहीं आने वाले। काइटून उससे कहता है मैं ट्राई करूँगा। सीन कहता है अगर तुम ये बोल रहे हो तो तुम बिल्कुल नहीं आने वाले। काइटून यहाँ पर उसे सॉरी कहने लगता है। सीन उसे कहता है कल लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो भी यहाँ पे उसे मना ही करता है काइटून और सॉरी कहता है। सीन उसे कहता है तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस चीज़ की। तो काइटून उसे कहता है कि बाद में मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट दे दूँगा। सीन उसे कहता है क्या मैं इस चीज़ से मान जाऊँगा। काइटून उसे कहता है ऑफकोर्स। तो सीन यहाँ पे फिर एग्री हो जाता है और कहता है ठीक है हम लोग बाद में एक साथ चलेंगे ट्रीट पर, और वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है काइटून को काम करते हुए, तो उसके पास आता है वेलन। यहाँ पर वेलन कहने लगता है काइटून से क्या आज तुम वहाँ पर मेरे लिए नहीं आए थे। काइटून उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ है, ये क्यों पूछ रहे हो। वेलन उससे कहता है कुछ नहीं हुआ, बस मैं जानना चाहता हूँ। काइटून उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था, मैं तो अपने फ्रेंड सीन को देखने के लिए आया था। ये सुन के यहाँ पे वेलन थोड़ा सैड हो जाता है और फिर काइटून से कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। कैफ़े में जो और वर्कर काम करते हैं वो कहने लगते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
यहाँ पर कार्टून भी सोचता है कि इसे क्या हुआ। निशा भी उनकी तरफ काफ़ी ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं वेलन को जो कि काफ़ी परेशान होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है आज, वियर्ड सा। यहाँ पे वो उस चेंजिंग रूम में ही बैठ जाता है। कार्टून अपना काम फिनिश करता है और फिर निशा से जाके कहता है कि अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है। निशा यहाँ पर उसे उसके एग्ज़ाम के लिए गुड लक विश करती है। कार्टून जब चेंजिंग रूम में आता है तो वहाँ पर वेलन बैठा रहता है। वेलन उसकी तरफ देखता है बट कुछ नहीं बोलता। कार्टून यहाँ पर लॉकर से अपना सामान लेना शुरू कर देता है। कार्टून अपना बैग लेता है और उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, लेकिन वेलन उसकी तरफ नहीं देखता। कार्टून जाने से पहले बोलता है वेलन से कि आज तुमने प्ले में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और वो वहाँ से उसे बाय बोल के जाने लगता है। वेलन को ये सुन के अच्छा लगता है तो वेलन उसे रुकता है और कहता है क्या तुम कल रात मेरे घर पर आ सकते हो। कार्टून उसे कहता है क्यों, पर वेलन उसे कहता है कि तुम्हें एटॉम ने पार्टी में इनवाइट किया है ना। कार्टून उसे कहता है हाँ लेकिन पार्टी तो आज रात है। तो यहाँ पे वेलन कहता है नहीं पार्टी आज नहीं, पार्टी कल है, तो क्या तुम आ सकते हो। कार्टून यहाँ पे उसे कहता है कि मैं सोचूंगा इस बारे में। वेलन थोड़ा सैड फेस बनाता है और कहता है इसका मतलब तुम नहीं आने वाले। कार्टून उसे कहता है कि मैंने कहा है ना मैं सोचूंगा इस बारे में, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बाद में वेलन को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। वेलन जाता है निशा के पास और उसे कहता है क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो, मुझे अपने फ्रेंड के पास कॉल करना है। निशा उससे कहती है तुम्हारा सेल फोन कहाँ पर है। वेलन कहता है मैं लाना भूल गया हूँ। निशा उससे कहती है ठीक है मेरा फ़ोन चार्जिंग पर रखा है, तुम कॉल कर सकते हो। वेलन कॉल करता है एटॉम के पास और उससे कहता है कि मैं आज बिज़ी हूँ, क्या तुम कल आ सकते हो मेरे प्लेस पर सेलिब्रेशन करने के लिए। यहाँ पर एटॉम एग्री हो जाता है। वेलन काफ़ी हैप्पी होता है तो वो अपनी सिस्टर से कहने लगता है थैंक यू सिस्टर अपना फ़ोन देने के लिए। उसकी सिस्टर कहते हैं नेक्स्ट टाइम अपना फ़ोन मत भूलना। वेलन कहता है ओके। फिर दिखाया जाता है हमें कार्टून को उसके रूम में जहाँ पर वो बुक रीड कर रहा होता है, बट उसका फोकस बिल्कुल नहीं होता स्टडी पे। वो यहाँ पर देखने लगता है वेलन के टॉय की तरफ और उससे कहता है तुम बहुत ज़िद्दी हो, हमेशा मुझे फोर्स करते हो हर चीज़ के लिए, और फिर अपनी बुक की तरफ देखने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कार्टून को नॉन के साथ, वो लोग बाहर डिनर करने के लिए आए हुए होते हैं। नॉन उससे कहता है तुम्हारा एग्ज़ाम कब है। कार्टून कहता है कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। नॉन उसे यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट विश करता है। यहाँ पर वो लोग अपने डिनर का वेट कर रहे होते हैं तो जो उस शॉप की ओनर होती है उसकी तबीयत आज कुछ ख़राब होती है तो वो उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वो लेडी एकदम से नीचे गिरने वाली होती है क्योंकि उसकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। कार्टून और नॉन उसे संभाल लेते हैं। यहाँ पर फिर वो लोग उस लेडी की हेल्प करने लगते हैं। वो लोग उसकी स्टॉल में फूड बनाते हैं और बाकी जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें देने लगते हैं। कार्टून काम करता है तो नॉन उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से काम फिनिश करके आते हैं और एक प्लेस पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर नॉन कहने लगता है कि तुम काफ़ी औसम हो, तुमने कितनी अच्छी से सारी कुकिंग कर ली। नॉन उसे पूछने लगता है कि तुम्हें कुकिंग कब से आती है। कार्टून उससे कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। नॉन उससे कहता है मैं फ्री हूँ और मैं सुनना चाहूँगा तुम्हारी इस स्टोरी को। कार्टून यहाँ पर उससे कहता है कि मैं बचपन से ही काफ़ी जगह काम करते आया हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी, बट मैंने कभी भी कोई इल्लीगल काम नहीं किया है। तो ये सुन के नॉन उसकी तरफ स्माइल करता है और वो आगे कहता है इसी तरीके से मैं कुकिंग करना सीख गया। यहाँ पर नॉन उससे कहता है कि तुमने काफ़ी हार्डवर्क किया है। कार्टून कहता है ऑफकोर्स, अगर मैं हार्डवर्क नहीं करता तो मेरे पास पैसे नहीं होते। नॉन उसे कहता है अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या तुम मर्चेंट बनना चाहोगे। कार्टून कहता है ऑफकोर्स। नॉन हंसने लगता है और कहता है क्यों ना ये ट्राई किया जाए। कार्टून कहता है क्या सच में। नॉन कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। नॉन यहाँ पर उसे कहने लगता है अगर मैंने अपनी स्टडीज़ को बीच में ही छोड़ दिया तो मेरे डैड मेरी जान ले लेंगे। कार्टून कहता है क्या तुम्हारे डैड इतने ज़्यादा रफ है। नॉन उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता और नॉन उसे कहने लगता है कि जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी तो मैंने इसे ड्यूटी समझा था, बट आई थिंक अब मैं इसे इन्जॉय करने लगा हूँ। और वो यहाँ पे बताता है जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो मैं आर्ट फैकल्टी में परफॉर्म करने लगा था। मेरी मॉम तो सपोर्ट करती थी बट मेरे डैड इस चीज़ के अगेंस्ट थे और उन्होंने तो ये कहा था कि वो मुझे घर से निकाल देंगे। कार्टून उसे कहता है क्या तुम मेडिकल में इंटरेस्टेड नहीं हो। नॉन कहता है अब तो मुझे आदत हो गई है। कार्टून उसे कहता है तुम तो मुझे पूरी तरीके से डॉक्टर लगते हो। कार्टून फिर वेदर की तरफ देखता है और कहने लगता है नॉन से आज का वेदर कितना अच्छा है ना। नॉन भी कहता है हाँ। नॉन पूछने लगता है कार्टून से कि तुम न्यू ईयर ईवा के लिए कहाँ जाने वाले हो। कार्टून कहता है कहीं भी नहीं, उस दिन मुझे डबल पे मिलने वाली है इसलिए मैं अपना वर्क करूँगा।
कार्टून यहाँ पर अपना फ़ोन चेक करता है और कहता है ओ माय गॉड हम लोगों को बहुत लेट हो गया है, हॉस्टल बंद होने वाला होगा। वो यहाँ पे कहने लगता है नॉन से जल्दी चलो। अभी वो लोग भागते हुए हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है वेलन काम कर रहा होता है, तो निशा उसे अपनी तरफ बुलाती है और उसे उसकी पेमेंट देने लगती है। वेलन कहता है बट अभी तो मंथ का एंड नहीं हुआ है। निशा कहती है मैं तुम्हें एडवांस में दे रही हूँ, क्या पता तुम्हें ज़रूरत हो। वेलन यहाँ पर कहता है ये लो तुम ही रख लो क्योंकि मुझे तुम्हारे भी तो पैसे वापस करने हैं। निशा उसे कहती है कि मैंने आधे पैसे कट कर लिए हैं, इन्हें तुम रख सकते हो।